आज है 24 जून 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खेतों की जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों को लेकर मास्टर प्लान, हाउस वाटर सीवर टैक्स की होगी वसूली। शहरों के बाहर गांव में खेती की जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों को अब अवैध कॉलोनी का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मास्टर प्लान में ऐसी कॉलोनीज को आबादी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इन कॉलोनीज में विकास प्राधिकरण और नगर निगमों के द्वारा संयुक्त रूप से विकास भी कराया जाएगा। इसके एवज में इनमें रहने वालों से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स वसूला जाएगा। राजकीय और एडेड स्कूल के छात्र अध्ययन यात्रा करेंगे। राजकीय और एडेड स्कूल के छात्र छात्राओं को अध्ययन यात्रा का मौका मिलेगा। कक्षा 9 से 12 के छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रयोगशालाओं का भ्रमण कर उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि समग्र शिक्षा माध्यमिक राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा ने एक दिवसीय अध्ययन यात्रा का शेड्यूल जारी किया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के आदेश दिए। उन्होंने जल्द हजारों होमगार्ड्स के सेवानिवृत्त होने की दृष्टिगत जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को कहा। वाराणसी चंडीगढ़ ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन का संचालन शुरू। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे 4 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन की घोषणा कर चुका है, जिससे यात्रियों को सफर में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें से 2 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन शुरू हो गई हैं, जबकि 2 ट्रेन भी अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। मुरादाबाद को विकसित करने के लिए योगी सरकार ने खींचा खाका, 7 साल में आर्थिक हब बनेगी पीतल नगरी। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के लिए राज्य सरकार महायोजना 2031 लेकर आई है। इसके तहत शहर का विस्तार और विकास तो सुनिश्चित होगा, साथ ही इसे आर्थिक हब बनाया जाएगा। ओडीओपी में शामिल यहां के पीतल हैंडीक्राफ्ट और निर्यात उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि मुरादाबाद को वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जाए। मार्केट में आ गई कक्षा 3 की 4 नई एनसीईआरटी किताबें, छठी का इंतजार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2024-25 से कक्षा 3 और 6 की किताबें बदली जा रही हैं। एनसीईआरटी की ओर से किताबें तैयार किए जाने की सूचना सत्र के आरंभ में ही दे दी गई थी। स्कूल व विद्यार्थियों को किताबों का बेसब्री से इंतजार था। एनसीईआरटी की ओर से कक्षा 3 की 4 किताबें जारी कर दी गई। ये किताबें बाजार में उपलब्ध होने के साथ एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ई बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं। नोएडा के 30,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, मिलेगा मालिकाना हक। 30,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को उनकी आशियाने का मालिकाना हक मिल सकता है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर बायर्स की समस्या का स्थायी निदान की ओर कदम बढ़ा दिया। सीईओ डॉ. लोकेश एम के निर्देश पर ग्रुप हाउसिंग विभाग ने उन बिल्डर्स को अमिताभ कांत आयोग की सिफारिशों का लाभ देने का निर्णय लिया है, जो दिवालिया प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल व अदालत की शरण में है। 4 घंटे रीशेड्यूल की गई वंदे भारत एक्सप्रेस। मुरादाबाद बरेली रेलखंड के दुगुनपुर स्टेशन यार्ड में मेगा ब्लॉक के कारण 225/46/22545 देहरादून लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को 4 घंटे रीशेड्यूल किया गया। 24 जून तक ये ट्रेन देहरादून से 4 घंटे देरी से चलाई जाएगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पिछले 3 दिन से यात्रियों को इंतजार करा रही है। नोएडा अथॉरिटी के 8,500 करोड़ नहीं चुकाए 13 बिल्डर्स को फाइनल नोटिस। आशियाने का सपना दिखाकर हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद बिल्डर न सिर्फ उन्हें दौड़ा रहे हैं, बल्कि नोएडा अथॉरिटी के बकाए का भुगतान भी नहीं कर रहे। ऐसे नामी बिल्डर्स के खिलाफ शासन के निर्देश पर नोएडा अथॉरिटी कड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई। इन 13 बिल्डर्स ने अथॉरिटी का 8,510 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए होगा यज्ञ, कई देशों में दी जाएंगी आहुतियां। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की कामना के साथ वैश्विक यज्ञ होने जा रहा है। दुनिया के कई देशों में यह कार्यक्रम 30 जून को एक साथ होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास यज्ञ का नेतृत्व कर रहा है। वृंदावन में सैकड़ों संतों की मौजूदगी में यज्ञ का कलश स्थापित होगा। सभी यज्ञ स्थल से यज्ञ की रज लेकर के वृंदावन लाई जाएगी, उसे उक्त कलश में संरक्षित किया जाएगा। भव्य मंदिर निर्माण के समय उस स्थान के शुद्धिकरण में उसे प्रयोग में लाया जाए। अतीक के वकील खान सौलत अनीब को बार काउंसिल ने किया जबार, पंजीयन किया निरस्त।
उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाए माफिया अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ का पंजीयन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने रद्द कर दिया। अब वो आजीवन किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकेगा, फिलहाल वो जेल में बंद है। उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जया पाल ने बार काउंसिल से सौलत हनीफ की सदस्यता रद्द करने और वकालत से डिबार करने की मांग की। जीएसटी काउंसिल के निर्णयों से व्यापारियों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना समाप्त किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से जीएसटी असेसमेंट में भारी जुर्माना और ब्याज से व्यापारियों का उत्पीड़न अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। उन्हें नोटिस देकर कार्यालय बुलाया जाता था, जिससे व्यापारियों में बेहद निराशा और दबाव था। डीडीयू में 8.22 करोड़ से बनेगा नया परीक्षा मूल्यांकन भवन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में आ रही समस्या आने वाले समय में दूर हो जाएगी। विश्वविद्यालय में 8.22 करोड़ रुपए से नए परीक्षा मूल्यांकन भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसका शिलान्यास 24 जून को कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ऑनलाइन करेंगी। डीडीयू में प्राचीन इतिहास विभाग के पिछले हिस्से की तरफ खाली जमीन पर करीब 13,000 वर्ग फीट में निर्माण कराया जाएगा। एमएमएमयूटी में शुल्क वृद्धि की तैयारी, एचबीटीयू की तरह होगी शुल्क संरचना। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वित्त समिति और प्रबंध बोर्ड की बैठक 1 जुलाई को होगी। बैठक को लेकर एजेंडा तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की दोनों शीर्ष समितियों की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। शुल्क संरचना में बदलाव किए जाने की संभावना है। एमएमएमयूटी में नया सत्र शुरू होने से पहले होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से चल यूपी के रास्ते हिल स्टेशन तक का सफर महंगा। देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां होने के साथ तपती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशन की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से लोग हिल स्टेशन में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा आदि हिल स्टेशन में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट। जेवर के पास बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। एयरपोर्ट में लगने वाली स्टील मिलने में हो रही देरी के चलते काम की तेजी पर असर पड़ गया। इस मामले की जानकारी शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को मिल गई। 28 जून को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही वो संबंधित कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। दो बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी सप्ताह। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सप्ताह दो बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 के लिए आवेदन आज सोमवार से शुरू होने की संभावना है, जबकि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एग्जाम 2024 के लिए आवेदन 27 जून से प्रस्तावित हैं। वार्ड बॉय के बाद सफाई कर्मी भी करेंगे आंदोलन। एसआरएन अस्पताल प्रशासन की ओर से बकाए वेतन के जल्द भुगतान कराए जाने के मिले आश्वासन पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की। शनिवार को स्ट्रेचर व व्हीलचेयर भी मरीजों को निर्धारित स्थान से नियमानुसार मिलते रहे। साथ ही वार्ड में कार्य भी सुचारू रूप से संचालित हुआ। इस बीच अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मियों की ओर से वेतन न मिलने को लेकर आंदोलन की तैयारी चल रही है। 130 की रफ्तार से ट्रेन चलाने में प्रयागराज मंडल फिर अव्वल। रेलवे के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट ने उत्तर मध्य रेलवे में अपनी लय पकड़ ली है। मई 24 तक जून में चल रही 89% ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। इतना ही नहीं, एनसीआर का प्रयागराज मंडल 130 की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेन चलाने के मामले में अब देश भर के 70 रेल मंडल में फिर से अव्वल हो गया। व्हाट्सएप से बुक करें फ्लाइट के टिकट। इंडिगो ने लॉन्च की नई सर्विस। इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एआई कन्वर्सेशन बुकिंग असिस्टेंट 6ESKI लॉन्च कर दिया। 6ESKI को व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया है। इस सर्विस को राइफी ने डेवलप किया है। इंडिगो की फ्लाइट में ट्रैवल यात्रा करने वाले यात्री अब टिकट बुक करने से लेकर बोर्डिंग पास जनरेट करने और फ्लाइट का स्टेटस चेक करने का काम व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे। अमेरिका से आ रहा भारत का राफेल ग्रीस में रुका, युद्धाभ्यास की तैयारी।
भारत के राफेल लड़ाकू विमान पहली बार अमेरिका पहुंचे, जहां इन्होंने प्रमुख हवाई अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लिया। इसमें हिस्सा लेने के बाद ये लौट रहे हैं। अपनी लंबी यात्रा के दौरान इन्होंने रास्ते में रुकने के लिए ग्रीस को चुना। इस मौके का भारत और ग्रीस ने फायदा उठाने का सोचा। भारत और ग्रीस संयुक्त अभ्यास भी इस मौके पर करेंगे। पहले ये ईंधन भरने के लिए रास्ते में कुछ घंटे के लिए एंड्राविडा में उतरने वाले थे। ग्रेस मार्क पाने वालों की दोबारा हुई नीट की परीक्षा। एनटीए ने रविवार को 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 6 केंद्रों पर 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी परीक्षा को दोबारा कंडक्ट किया। एनटीए के मुताबिक 1563 अभ्यर्थियों में से 813 परीक्षा देने आए, जबकि 750 छात्रों ने ये परीक्षा छोड़ दी। बता दें कि ग्रेस मार्क्स पाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से परीक्षा कराई गई। यूपी के करीब पहुंचा मानसून, कुछ शहरों में आज से भारी बरसात की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्व बरसात जारी है। इस बीच मानसून एक्सप्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों को भिगोते हुए प्रदेश के दक्षिणी सीमा के काफी करीब पहुंच चुका है। मौसम विभाग अगले 48 घंटे के भीतर किसी भी वक्त मानसून के प्रदेश में प्रवेश की घोषणा कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून एक्सप्रेस के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं। पहली बारिश में धस गया अयोध्या का प्रसिद्ध राम पर, जल निगम की भी पोल खुली। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के विकास को मॉडल बनाने के लिए आपाधापी में बनकर तैयार हुए रामपथ पर पहली ही बारिश में कई जगह धस गया। शनिवार की रात में हुई झमाझम बारिश से सादतगंज से लेकर नया घाट लता चौक तक करीब 13 किलोमीटर लंबे रामपथ पर गहरी सीवर लाइन डलवाने वाले जल निगम नगर निकाय की कलई भी खुल गई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पूछा, बनारस वाले कैसा कमेंट करते हैं। तीसरी बार सांसद और प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते 18 जून को पहली बार काशी आए नरेंद्र मोदी ने बनारस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवाओं से मुलाकात की। बनारस के विकास कार्यों पर इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले अक्षत श्रीवास्तव से उन्होंने विकास कार्यों के बारे में पूछा। साथ में ये भी जानना चाहा कि इस पर लोगों का रवैया कैसा है। अक्षत से उन्होंने पूछा कि बनारस वाले कैसा कमेंट करते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।